पैती घर नारी समूह जो 3 नंबर वार्ड ग्रुम बस्ती में, यहाँ पे समस्त हमारे माता दीदी बहन एक साथ पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े हैं और इनके जोश को, इनके जुनून को, इनके समर्पण को, इनकी जिंदा दिली को शब्दों में बयान कर पाना असंभव है, इसे बयान नहीं किया जा सकता है। तो आइए मैं इन्हीं तमाम माताओं और बहनों से आपको रूबरू करवाता हूँ जो आज यहाँ पर खड़े हैं उनके स्वागत के लिए, जो आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, जो सिक्किम का नाक ही नहीं अपितु पूरे भारत के लिए गौरव का पल है। तो उस बच्ची, जो बच्ची आज सारेगामा पा में अपना झंडा, अपना जौहर, अपने प्रतिभा का लोहा को मनवा दी है, उस बच्ची को स्वागत के लिए ये तमाम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, माइती घर नारी समूह के तरफ से खड़े हैं पंक्तिबद्ध तरीके से। अब वो बच्ची जब आ जाए उनका स्वागत को जोशीले ढंग से करने वाले हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? जी हाँ। तो आप लोग यहाँ पे किस लिए खड़े हैं आज? नमस्कार, द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं पंकज। आज के दिन के बारे में मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आप लोग जो पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े होकर के जेटसन डुमा लामा बाइनी को आप लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं, इस विषय में 2 शब्दों को अपने जुबान से लाइए ताकि हमारे दर्शक को अनुसरण हो और सभी जान लें। जी नमस्कार, मैं फाउंडर हमारा माइती घर समूह क्या, तो और आज हम लोग जतसिंह दोना लामा उनके लिए वेट कर रहे हैं, जैसे इतना एक्साइटेड, मतलब सब जो है उससे हम लोग भी मतलब अभी बहुत ज़्यादा लाइक बोले, क्योंकि हम लोग का सौभाग्य हम लोग को इस तरह से मिला है कि हम लोग उसको स्वागत कर सके। तो और बच्ची जिस तरह से अपना लाइक उन्होंने अपना बेस्ट दिया है तो ये हम लोग के लिए गौरवान्वित की बात है। तो उस हिसाब से हम लोग मतलब इतना हम लोग खुश है कि वो हम लोग के यहाँ आ रहे हैं और हम लोग उनको स्वागत करने वाले हैं। जिस दिन वो बच्ची सारेगामा पा में परफॉर्म कर रही थी स्टेज पे मुंबई में, उस समय दिलों की धड़कन तेज तो हो रही होगी आप सभी का हो रहा था ना? तो उस पल का फीलिंग हमें बताइए कैसा लगा हमको? लगा कि मतलब हमको तो पहले से ही पता था कि वही विनर होगी, लेकिन सच बोल रहे हैं कि बहुत दिल का धड़कन धक कर रहा था। और हम लोग जैसे रिजल्ट से पहले हम लोग गूगल में सर्च कर रहे थे कि शायद उसी का वही विनर होगी बोल के, बहुत अच्छा लगा। और हमारा बेटी, हमारा बहुत मतलब गर्व की बात है कि हमारा बेटी, मतलब हमको ऐसा फील हुआ कि जैसे कि हमारा अपना बेटी विनर होके आ रही है। सही बोले आपने। तो और हमारे एक माता बहन है, आप उनसे बस समझ लेंगे, आपके अंदर कैसे खुशियों की इस समय में क्या चल रहा है आपके अंदर, वो जो खुशियाँ का कहते हैं समुद्र की लहरें, कैसा लग रहा है वो फीलिंग बताइए। सच्ची बताओ मैं जी, मेरी बेटी मेरी पहचान बोलती है ना, बेटी के माँ बोल के पहचाना जाऊँ ना, उससे ज़्यादा गौरवान्वित बात और कुछ हो ही नहीं सकता। ये फील जो है ना आप नहीं बता सकते, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि एक बेटी से पहचान मम्मी की हो रही है। आप सोचो वो फील आ रही है, अभी मेरा पूरा रॉन्ग उससे मतलब फ्यूर रहा है। सच्ची में ये जो है ना फील, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच। इवेन की दीदी, मैं स्वयं जर्नलिस्ट होकर के मैं भूल गया उस बच्ची से मिलने के बाद कि आज मैं यहाँ पे इंटरव्यू लेने आया हूँ, बच्ची को देखने आया हूँ, मैं भूल गया। मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं अपना ही धुन में डूब गया, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ और मैं भी एक बेटी का पापा हूँ। तो मुझे गर्व हो रहा है बेटियों पर कि वाकई में बेटी हम माता पिता का नाक और स्वाभिमान को सदियों से ऊंचा करते आई है, चाहे वो झांसी की रानी के रूप में हो, माँ दुर्गा के रूप में हो, या आज ये जैनसन डोमा लामा के रूप में हो। तो ये है हमारी अपनी बेटी लग रही है, पूरा लग रहा है मेरी बेटी से मेरी पहचान हो रही है। सच्ची बताऊँ तो लग रहा है मेरी घर की बेटी है वो, क्योंकि हम लोग का एक्चुअली नेपाली भाषी में है ना ये जी। तो जैनसन डोमा लामा जो है नेपाली भाषी है जी। तो एक्चुअली नेपाली का गर्व रखा उसने, नेपाली का ऊंचाई कर दिया जी। पिक्चर ऊंचाई तो देखे होंगे, वैसे ही ऊंचाई कर दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जैनसन डोमा लामा, बहुत ही बहुत थैंक यू आपको, और कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो यहाँ पे एक और हमारी माता है, दीदी आप ये बताइए, अब ये बच्ची को बहुत आदमी केवल नेपाली समुदाय ही नहीं, वो हर भाषा भाषी अपना बेटी के रूप में देख रहे हैं, इसके आपका क्या फीलिंग्स है? मैं हिंदी में तो ज़्यादा नहीं बोल सकती, पर एक्चुअली बोलिए जैसे आप बोलिए, कंफर्टेबल है बोलिए ना। जो एक लड़की होके
इतना इतनी छोटी सी उम्र में एक लड़की होके वहाँ पे जो कंटेस्टेंट थे वो बहुत अच्छे अच्छे थे, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत अच्छे अच्छे थे, उसको जीत के वो इतना आगे निकली है, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट विनर वही है। तो उसके आगे ऑलरेडी वो ऊंचाई पहुँच गई है, तो उसकी उम्र क्या बोल सकते हैं। आपके आंखों में ये अक्स क्या चीज़ का है, मैं वो देख रहा हूँ तब से भावुक हो रही है, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रही है, लेकिन मेरी पड़की नज़र पकड़ लिया, ये बताइए क्या चीज़ है। जो छोटी सी बच्ची ने इतना डर अपना, जो आई कैन नॉट गिव द इंटरव्यू, तो एक छोटी सी बच्ची ने इतने बड़े से स्टेज में आके इतना परफॉर्मेंस दे के विनर हुआ, दैट इज द बिगेस्ट विनर, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। दीदी का क्या नाम है? मेरा नाम अनुषा। अनुषा दीदी, दीदी आपका नाम? ममता बुजे। ममता मैम, आंटी आपका नाम? निर्जला। और विद्या दीदी, तो आप ये समस्त दीदियों को, माताओं को आपने सुना मेरे चैनल के सौजन्य से, तो जुड़े रहे हमारे साथ, मैं पंकज आप सबका स्वागत था द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। आप जैसे कि देखिए यहाँ पे एक हमारे बीच बगल में एक हमारी दीदी हैं जो भावुक हो गई, और हो भी ना क्यों, ये पल ही ऐसा है जिसे शब्दों में बयान कर पाना असंभव है। ये एक बेटी क्या बोलूँ मैं, आज हर माता पिता जिसके घर में आंगन में एक बेटी है ना, उसका सीना 36 से 56 इंच का हो गया होगा, गर्भ से सर जो है वो ऊपर हो गया होगा। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जुड़े रहे हमारे साथ और हम लोग फिर से मिलेंगे किसी न किसी और नए अपडेट्स के साथ में। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद।